और अब हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। इस टीम की क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है, प्लेयर्स टू वॉच आउट, और इनके प्लेऑफ्स में पहुंचने के क्या चांसेस है। तो सबसे पहले हम इनके स्क्वाड पे नजर डालते हैं। इस बार इनकी क्या टीम है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बार हैदराबाद के ओपनर्स है डेविड वार्नर, जो इनके कैप्टन भी है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जॉनी बेयरस्टो विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड, और जेसन रॉय फ्रॉम इंग्लैंड, ये इनकी टीम में ऐड हुए हैं। और मिडल ऑर्डर के लिए है प्रियम गर्ग, श्रीवत्स गोस्वामी विकेट कीपर बैट्समैन, केदार जाधव को इन्होंने लिया इस बार टीम में, थोड़ा सा सरप्राइजिंग इंक्लूजन, मनीष पांडे, रिद्धिमान साहब विकेट कीपर बैट्समैन, विराट सिंह और केन विलियमसन फ्रॉम न्यूजीलैंड। ऑलराउंडर्स रहेंगे अब्दुल समाद, जेसन होल्डर फ्रॉम वेस्ट इंडीज, मोहम्मद नाबी फ्रॉम अफगानिस्तान, विजय शंकर। फास्ट बॉलर्स खलील अहमद, बेसल थम्पी, सिद्धार्थ कौल, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और संदीप शर्मा। स्पिनर्स में अभिषेक शर्मा, राशिद खान फ्रॉम अफगानिस्तान, शहबाज नदीम, मुजीब उल रहमान फ्रॉम अफगानिस्तान और जगदीशा सुचित। तो ये इनका स्क्वाड है। और पिछली बार जो इनके टीम में थे आईपीएल 2020 में और अब नहीं है, इसमें आती है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श को एक तो उन्होंने अब की बार लिया था 2021 के स्क्वाड में, पर फिर विड्रॉ कर लिया मिचेल मार्श ने, तो मिचेल मार्श की जगह जेसन रॉय को लिया गया। और जो पहले और प्लेयर्स थे वो है बिली स्टैनलेक, संदीप बवानका, फेबियन एलन, संजय यादव एंड पृथ्वीराज यारा। तो ये प्लेयर्स अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो हम इनके स्क्वाड के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखें कि क्या हो सकती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है। एक तो मुझे लग रहा है कि डेविड वार्नर ओपनिंग नहीं करेंगे, वो मे बी नंबर 3 पे आएंगे, और जॉनी बेयरस्टो बहुत अच्छी फॉर्म में है इस वक्त, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हमने ओडीआई सीरीज में और टी20 सीरीज में देखा, तो जॉनी बेयरस्टो की ओपनिंग करने के चांसेस है, और साथ में रिद्धिमान साहा के होने के चांसेस है, क्योंकि पिछले आईपीएल में भी एज ए ओपनर रिद्धिमान साहा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और फिर वो इंजर्ड हो गए थे तो तब ब्रेक लग गया था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये दोनों ओपनिंग करेंगे, और डेविड वार्नर तीसरे नंबर पे आएंगे, और चौथे पे मनीष पांडे रहेंगे। केन विलियमसन शुरू के मैचेस में जगह नहीं बना पाएंगे, शुरू में जॉनी बेयरस्टो को प्रेफरेंस दी जाएगी। चौथे पे मनीष पांडे, पांचवे पे यंगस्टर प्रियम गर्ग हो सकते हैं एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन, या अब्दुल समाद को भी ये ले सकते हैं। इसी तरह सिक्स पे विजय शंकर हो सकते हैं ऑलराउंडर, या अब्दुल समाद। तो इन तीन में से कोई दो प्लेयर्स ये फिफ्थ और सिक्स नंबर की पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, और सेवंथ पे जेसन होल्डर के होने के ही चांसेस है। पिछली बार जेसन होल्डर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और सेकंड हाफ में उनको खेलने का मौका मिला था, तो यहाँ पे लगता है कि शुरुआत से ही उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो अफगानिस्तान के इन्होंने एक तो ऑलराउंडर लिए है और एक ऑफ स्पिनर, वो लगता है शुरू में बाहर बैठेंगे, जैसे मोहम्मद नाबी है, ये लगता है शुरू में तो बाहर रहेंगे, और मुजीब उल रहमान भी। और नंबर 8 पे राशिद खान रहेंगे, तो ये इनके चार ओवरसीज प्लेयर्स हो जाएंगे। और 9th नंबर पे भुवनेश्वर कुमार, और 10वें पे ये कोई इंडियन बॉलर खिला सकते हैं, वो बॉलर संदीप शर्मा हो सकता है। अगर ये एक पेसर को अहमियत देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पेसर खिलाना चाहते हैं, तो संदीप शर्मा हो गए, और नहीं तो शहबाज नदीम हो सकते हैं, सुचित हो सकते हैं, या अभिषेक हो सकते हैं। ये तीनों ही लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो इन तीनों में से किसी एक को खिलाया जा सकता है। और 11वें पे टी नटराजन रहेंगे, तो ये हैदराबाद का प्लेइंग 11 होने के चांसेस है। और हम इनका प्लेइंग 11 और स्क्वाड के अनुसार देखें तो इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती है। एक तो मुझे इनका ओपनिंग अच्छी लग रही है, जॉनी बेयरस्टो और रिद्धिमान साहा तो है ही, ये अच्छी ओपनिंग देने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा भी हम इनके ओपनर्स की ऑप्शन देखें
तो डेविड वार्नर है और साथ में जेसन राय है। तो जेसन रॉय भी बहुत ही बढ़िया ओपनर है, तो इनका एक तो ओपनिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, जिसको भी ओपनिंग पे उतारेगी वो अच्छा ही करेगा। और इनकी स्ट्रेंथ मुझे लग रही है कि इनका पेस अटैक अच्छा है, जेसन होल्डर है, भुवनेश्वर कुमार है, टी नटराजन, संदीप शर्मा, सो ये एक अच्छा पेस अटैक है T20 के हिसाब से। और इनका स्पिन अटैक डेफिनेटली स्ट्रांग है, राशिद खान तो है ही, बट इसके अलावा भी अब की बार इनके पास अफगानिस्तान के मुजीब उल रहमान है और लेफ्ट आर्म लेग स्पिन की भी इनके पास काफी ऑप्शन है इस बार चूज करने के लिए, और उधर से मोहम्मद नाबी भी है ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर, तो इनका स्पिन डिपार्टमेंट तो स्ट्रांग है डेफिनेटली, तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। और साथ में मैं कहूंगा डेविड वार्नर की कैप्टनसी भी एक स्ट्रांग पॉइंट है। वार्नर की कैप्टनसी में काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है सनराइजर्स हैदराबाद की IPL में, तो ये हमेशा पिछले कुछ टाइम से पहुंच रही है प्लेऑफ्स में, हालांकि टूर्नामेंट जीतने में सफल नहीं रहे है, तो इस बार भी लगता है कि डेविड वार्नर की कैप्टनसी में इन्हें अच्छा तो करना चाहिए। और इनकी हम वीकनेस देखें तो एक तो मुझे इनका मिडल ऑर्डर वीक लग रहा है। हम देखें अगर मिडल ऑर्डर तो 4-5-6 जो पोजीशन है, मनीष पांडे और प्रियम गर्ग, विजय शंकर, अब्दुल समाद, इनमें से ही किसी को, इनमें से ही प्लेयर को रखा जाएगा। और अगर केन विलियमसन को ये लाते हैं तो इन्हें एक ओवरसीज प्लेयर बाहर करना पड़ेगा और वो फिर जॉनी बेयरस्टो हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए कंफ्यूजन है। और मुझे लग रहा है इनका मिडल ऑर्डर थोड़ा वीक रहेगा, अगर ये प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाते या परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज रहती है तो ये मिडल ऑर्डर की वजह से ही ये थोड़ा मात खाएंगे। और हम मिडल ऑर्डर में बेंच स्ट्रेंथ भी देखिए इनके पास, तो वो बेंच स्ट्रेंथ भी इनके पास नहीं है इतनी अच्छी। इन्होंने एक तो केदार जाधव को लिया है, ये डिसीजन भी थोड़ा मेरे को नेगेटिव ही लगा और इनकी थोड़ी इनसिक्योरिटी दिखाता है कि केदार जाधव को लेना एक बैकवर्ड मूव ही मैं कहूंगा, एक फॉरवर्ड मूव नहीं है ये। इसके अलावा श्रीवत्स गोस्वामी है, विराट सिंह है, तो कोई बड़ा नाम नहीं है और ये कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है कि जिनसे आप ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आते ही बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे या मैच विनर साबित होंगे। और केन विलियमसन भी T20 के एक स्टेबल बैट्समैन तो है बट एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हम नहीं कह सकते केन विलियमसन को, तो मेरे को इनका एक तो मिडल ऑर्डर वीक लग रहा है और बेंच स्ट्रेंथ भी मिडल ऑर्डर बैटिंग में वीक लग रही है। और इसके अलावा इनकी एक मुझे वीकनेस लग रही है कि जिस तरीके के इनके पास ओवरसीज प्लेयर्स है, तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, जैसे अगर ये कोई मैच एक दो हार जाएगी तो फिर इनका जो प्लेइंग 11 है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। एक परफेक्ट प्लेइंग 11 फाइनलाइज करने में इन्हें दिक्कत हो सकती है कि किस प्लेइंग 11 से इनको पूरा टूर्नामेंट खेलना चाहिए। उसमें मेरे को लग रहा है कि कुछ फ्रीक्वेंट से चेंजेस होएंगे और शुरू में तो हो सकता है कि आपको एक स्टडी नजर आए, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा तो कुछ इनके प्लेइंग 11 में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। अब जैसे इनके जो ऑफ स्पिनर है मुजीबुल रहमान, उसको कैसे खिलाएगी, चार ही ये खिला सकती है, ऑप्शंस तो अच्छी है बट उनको इंक्लूड कैसे करेंगे। इसी तरह मोहम्मद नाबी है, मोहम्मद नाबी को अगर लेना है तो इन्हें जेसन होल्डर को बाहर रखना पड़ेगा। इसी तरह केन विलियमसन को लेना है तो इनको बेयरस्टो को बाहर करना पड़ेगा। तो मुझे इनके थोड़ा फाइनल प्लेइंग 11 में आगे चल के कन्फ्यूजन लग रही है, ये एक वीकनेस लग रही है। तो मैं इनकी टीम को और इनके स्क्वाड को रेटिंग दूंगा 6/10। स्क्वाड तो इनका अच्छा है बट थोड़ा मेरे को इनका मिडल ऑर्डर वीक लग रहा है, बैटिंग में डेप्थ की कमी और थोड़ा कंफ्यूजन इनकी फाइनल प्लेइंग 11 में, और इसलिए इनके प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस इस बार मैं 50% ही दूंगा। पहले IPL के एडिशंस में ये पहुंचे हैं प्लेऑफ्स में बट इस बार मुझे लग रहा है कंपटीशन टफ होगा, और पहले जैसे थोड़ा सा एज करके ये पहुंचे है तो हो सकता है अब की बार ये थोड़ा सा पीछे रह जाए, मे बी टेबल्स में ये नंबर 5 की पोजीशन पे रहे, या हो सकता है फिर से फाइनल 4 में पहुंच जाए और नंबर 4 की पोजीशन पे रहे। तो 50-50 चांस ही मैं इनको दूंगा प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए। और अब हम बात करते हैं इनके प्लेयर्स टू वॉच आउट, इनके कौन से प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में अच्छा कर सकते हैं।
या अच्छा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आते हैं इनके कैप्टन डेविड वार्नर। डेविड वार्नर हमेशा ही अच्छा करते रहे आईपीएल में एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन भी, और इस बार भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और साथ में जो दूसरे प्लेयर हो गए जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो है हो गए इनके जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो बहुत अच्छी फॉर्म में है अब की बार, और वो भी डेफिनेटली अच्छी बैटिंग करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और तीसरे प्लेयर जो अच्छा करेंगे वो हो गए इनके ऑलराउंडर जेसन होल्डर। जेसन होल्डर बॉल के साथ भी अच्छा करेंगे एज ए बॉलर भी, और बैटिंग में भी जहां उनको मौका लगेगा तो वो कुछ आपको अच्छी हिट्स भी लगा के दिखाएंगे, कुछ मैचेस में अच्छी फिनिश भी करके दिखाएंगे। सो एज ए जेन्युइन ऑलराउंडर जेसन होल्डर की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और फोर्थ प्लेयर जो इनके बहुत अच्छा करेंगे वो हो गए इनके लेग स्पिनर राशिद खान फ्रॉम अफगानिस्तान। वो भी हमेशा अच्छा करते रहे हैं आईपीएल में, और इस बार भी वो ज्यादातर मैचेस में अच्छा करेंगे, हर मैच में तो नहीं, कुछ मैचेस में दूसरी टीम के बैट्समैन भी हावी हो गए राशिद खान पे, बट ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और फिफ्थ प्लेयर जो मैं कहूंगा प्लेयर टू वॉच आउट वो हो गए हमारे इंडिया के भुवनेश्वर कुमार। वो डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में अच्छी इनकी तरफ से बॉलिंग करेंगे, और अगर ये टीम प्लेऑफ में पहुंचती है तो हो सकता है वो पर्पल कैप के लिए भी एक दावेदार रहे। तो ये इनके प्लेयर्स टू वॉच आउट रहेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट इज द टीम एनालिसिस फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। देखते हैं कि इस बार हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाती है कि नहीं, और जो अब तक नहीं जीत पाई है पिछले कुछ टाइम से, इस बार जीत पाती है कि नहीं, ये हमें आईपीएल में ही पता लगेगा।